हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली अचीवमेंट्स की बात करता है। तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उसी से ही रिलेटेड या फिर इन जनरल भी पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव आउटकम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं उन्हीं पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट्स को इन्जॉय करने की बात करता है। और कहीं देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पैसे, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे एक गेन, एक फ़ायदे की भी बात करता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन आप मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए, हो सकता है कि आप ज़्यादा खर्चा इस वीक कर रहे हैं और कोई महंगी चीज़ जो बहुत टाइम से आप ख़रीदना चाह रहे थे वो या तो आप ख़रीद रहे हैं या फिर उसी से ही रिलेटेड कुछ सोच, कुछ डिस्कशंस चलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस को और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, रेनोवेट करना चाह रहे हैं। और कहीं पेंटिकल्स का कार्ड लैंड प्रॉपर्टी की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई लैंड प्रॉपर्टी या तो आप ख़रीदना चाह रहे हैं या फिर बेचना चाह रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं। और यस, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं इंडिपेंडेंटली भी चीज़ों को करने की बात करता है। तो इस वीक आप अपनी किसी चीज़ के लिए किसी के ऊपर भी बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं, आप खुद से ही अपने ही तरीके से चीज़ों को भी करना चाह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्स एंड टेम्पटेशन। और देखिए, नाइट ऑफ वॉन्स चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करता है और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली इस वीक या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस इमोशनल, मेंटल लेवल पे हो सकते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर पीछे आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, और इस वीक उसी से ही आप बाहर निकलना चाह रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन, इनिशिएटिव्स भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि देखिए, आप थोड़े से इंपल्सिव, थोड़े से जल्दबाजी भी चीज़ों को लेकर कर रहे हैं। और ऐसा अगर आप करते हुए पाएँ टॉरस, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए, जब हम चीज़ों को लेके इंपल्सिव होते हैं तब कहीं हम क्लियरली नहीं सोच पाते हैं और हमारे डिसीजंस, हमारे चॉइसेस रॉन्ग हो जाते हैं। और इसी वजह से या अदरवाइज भी एक रेस्टलेस एनर्जीज भी रहती हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, डीपर लेवल के लिए टेम्पटेशन का कार्ड भी कहीं एक ऑब्सेसिव एनर्जीज की बात करता है, पोजेसिव एनर्जीज की बात करता है, एक स्ट्रेस, एक टेंशन की बात करता है। और जब भी हम बहुत ऑब्सेसिव किसी चीज़ को लेकर होते हैं, तभी कहीं एक स्ट्रेस, एक टेंशन भी हम महसूस करते हैं। तो ऐसा भी अगर टॉरस आप पाएँ, तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और यहाँ पे देखिए, ये ऑब्सेसिव एनर्जी सब के लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कोई गोल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको लग रहा है कि भाई आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए हैं।
और देखिए गीता में लिखा भी हुआ है कि कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। और जब हम कहीं फल से ज़्यादा अटैच होते हैं तब भी हम परेशान होते हैं। तो फिर से देखिए इन सब चीज़ों का ख्याल इस वीक स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में आप ज़रूर करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए गॉडेस ब्रिगिट का कार्ड है और गॉडेस कहती हैं डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। तो देखिए जो चीज़ भी आपको ठीक लग रही है या फिर जिस चीज़ पे आपको 100% फेथ है, विश्वास है, उस चीज़ के लिए आप यू नो स्टैंड ज़रूर लें और कहीं आप गिव अप ना करें जो भी आप चाहते हैं। लेकिन फिर से आपने ख्याल रखना है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते वक्त कहीं एंड रिज़ल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच ना हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।